हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवानी मिश्रा। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिज़ाइनपुर में। तो आज मैं आपको बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताने जा रहे हैं। देखिए, मैंने ब्लाउज की लेंथ रखी है 15 इंच और 3 इंच की चौड़ाई देते हैं। यहाँ से हम मार्किंग कर देंगे और नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई पे मार्क कर लेते हैं। तो मैंने दोनों साइड से मार्क कर दिया। अब एक स्ट्रेट लाइन से इसको हम बराबर कर लेते हैं। अब गले का लेंथ लेंगे तो मैं गले का लेंथ देख लीजिए 11 इंच रख रही हूँ। यहाँ से मार्क कर देते हैं। अब इसको भी बिल्कुल बराबर कर लेते हैं। अब गले का डिज़ाइन का मार्क करेंगे तो देखिए मैं कैसे मार्क कर रही हूँ। इस तरीके सेम आप भी मार्किंग कर लीजिएगा। ऊपर के साइड से हम जो आर्म होल के साइड से 6 इंच ले रहे हैं, तो यहाँ से 6 इंच से लेके फिर नीचे के साइड से वी में मार्क कर दीजिएगा। और गला देखिए मैंने मार्किंग कर दी है। अब इसको हम कट कर देते हैं पूरा अच्छे तरीके से। ये देखिए मैंने अस्तर को अच्छे तरीके से पूरा कट कर दिया है। मैंने ब्लाउज का कपड़ा लिया है। अब इसको बिल्कुल बराबर करके फिर इसके बाद हम इसी तरीके से कट करेंगे जिस तरीके से मैंने अस्तर को कट किया है। तो देखिए मैंने गले को कट कर दिया है। यहाँ से भी हम कटिंग कर देंगे। अब इसकी स्टिचिंग हमें करनी है तो दोनों पार्ट को हम अलग अलग करके चलिए स्टिच करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए मैंने बराबर में सबको रख दिया है। अब इसको हम ऑल अराउंड स्टिच कर लेते हैं। तो अच्छे तरीके से बिल्कुल बराबर करते हुए स्टिच कीजिएगा जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। एक पार्ट मैंने स्टिच किया, दूसरा पार्ट भी मेरा स्टिच हो चुका है। अब इन दोनों को हम साइड किए हैं। मैंने जो नीचे का पार्ट है उसको लिया है। इसको बराबर में बिल्कुल फैला लीजिएगा पहले। अब इसके बाद इसको भी हम अच्छे तरीके से पहले ऊपर के साइड से स्टिच कर लेते हैं। तो ये हमारा गले का साइड का पार्ट है। तो गले का साइड का पार्ट देखिए थोड़ा वी में था तो हमने इस तरीके से इसको स्टिच कर लिया है। अब बीच से बिल्कुल कट लगाइएगा जहाँ से हमारा वी आया हुआ है, यहाँ से कट लगा लेंगे। अब इसको मुँह उलट कर सीधा कर देते हैं। अब एक सिलाई लगा के हम गले को स्टिच कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए ये मेरा गला स्टिच हो चुका है। अब इसकी ऑलराउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर करके इसकी हम ऑलराउंड स्टिचिंग कर लेते हैं। तो इसकी मैंने ऑलराउंड स्टिचिंग बिल्कुल कम्प्लीटली कर दिया है। अब इसको एक साइड कर लेते हैं। सबसे पहले इस पर हमें डिज़ाइन बनाना है तो उसको देखिए बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। अब इसकी मुझे थोड़ी चौड़ी पट्टी बनानी है तो मैं थोड़ी सी चौड़ी वाली पट्टी इसको स्टिच कर लेती हूँ। तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे मैं बना रही हूँ पट्टी को, सेम ऐसे आप भी बना लीजिएगा। फिर इसके बाद पट्टी को कट करके निकाल देते हैं। अब इसको उलट कर मुझे सीधा करना है तो देखिए वीडियो में मैं आपको क्लियर दिखा रही हूँ। इसको मैं पहले उलट कर सीधा कर देती हूँ, फिर इसके बाद आपको आगे का डिज़ाइन दिखाते हैं कैसे इसको हम कम्प्लीटली बनाएंगे। तो मेरी पट्टी देखिए ये सीधी हो गई है। ये देखिए कंप्लीट मैंने सीधा कर लिया है। अब इसके दोनों साइड से एक एक सिलाई लगा के इसको हम स्टिच करेंगे। तो देखिए मैं कैसे सिलाई लगा के स्टिच कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से आप भी एक एक सिलाई दोनों साइड से लगाते हुए स्टिच कर लीजिएगा। एक साइड से मेरा स्टिच हो चुका है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे साइड से भी सिलाई लगा के स्टिच कर लेते हैं। तो मैंने दोनों साइड से कम्प्लीटली पट्टी को स्टिच कर दिया है। अब पट्टी को हमें थोड़ी सी थोड़ी लंबाई देते हुए कट करना है कई पार्ट्स में। तो चलिए मैं पट्टी को ले लेती हूँ और 2.5 इंच की लंबाई पे हम इसको कट करेंगे। तो देख लीजिए 2.5 इंच की लंबाई बिल्कुल करेक्टली ले लीजिएगा, 2.5 इंच। अब इसी बराबर में हम सभी पट्टी को फोल्ड करेंगे, जितने पार्ट्स आ सके एक पट्टी में। इसी बराबर में आप 2.5 इंच की चौड़ाई लंबाई में पूरा फोल्ड कर लीजिएगा। तो मैंने फोल्ड कर दिया है। अब इसको अलग अलग पार्ट में मैंने कट भी कर लिया, ये देख लीजिए।
तो ये मेरा कम्प्लीटली कट चुका है। अब चलिए इसे हम डिज़ाइन बना के आपको दिखाते हैं। इसको हम एक साइड कर लेते हैं। अब मैं ब्लाउज़ का कपड़ा लेती हूँ, जो नीचे का पार्ट हमने कट किया था वो वाला पार्ट लिया है। नीचे के पार्ट्स पे इसको हम डिज़ाइन करेंगे, तो मैं देख लीजिए वीडियो में डिज़ाइन करके आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा दिखा देती हूँ। तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे मैं इस डिज़ाइन को बना रही हूँ। एक के ऊपर दूसरे को क्रॉस करते हुए हम बना रहे हैं इस डिज़ाइन को। ये डिज़ाइन बहुत ही इजी और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो ये देख लीजिए, मैंने इस डिज़ाइन को एक साइड से स्टिच कर दिया है, दूसरे साइड से भी अच्छे से बनाते हुए इस तरीके से डिज़ाइन को हम पूरा स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने दोनों साइड से कम्प्लीटली डिज़ाइन को बना के स्टिच कर दिया है। अब ऊपर का पार्ट मैंने लिया है, देखिए ऊपर का पार्ट है जो मैंने कट करके निकाला था। अब इसके साइड में मैं पाइपन बनाना है, तो इसको हम कपड़े को लिए हैं और इसके क्रॉस कटिंग करते हुए दो पट्टियाँ कट कर लिया है। अब इस पट्टियों से मैं पाइपर बनाना है दोनों पे। एक पट्टी मैं लेती हूँ, डबल फोल्ड करके गले के साइड से जो पार्ट हो उस पार्ट पे स्टिच कर देंगे इसको हम। ये गले के साइड से पार्ट पे हमने देखिए स्टिच कर दिया है, बिल्कुल अच्छे से गोल करते हुए हम पाइपन कर देंगे यहाँ से। तो मैंने देखिए पाइपन बना लिया है। अब हम इसको अच्छे से पूरा सेट कर दीजिएगा। इसके बाद हम इस पर लैस लगाएंगे। तो दोनों पार्ट मेरा कंप्लीट है, एक पार्ट को मैं आपको लैस लगा के दिखा देते हैं। तो ये मैंने लैस लिया है, इसको अच्छे से इस पर स्टिच कर देते हैं। सेम जैसे मैं इस पर स्टिच करूँ इस तरीके से दूसरे पार्ट पर भी करूँगी। दोनों साइड से अच्छे तरीके से लैस मैंने स्टिच कर दिया है। ऐसे ही हम दूसरा पार्ट भी बराबर बना लिए हैं। देखिए तो मेरा दोनों पार्ट बिल्कुल कंप्लीट है। अब मैं ब्लाउज़ का कपड़ा लेती हूँ जो नीचे का पार्ट है, अब इसके साथ में दोनों को स्टिच कर लेंगे। तो देख लीजिए वीडियो में मैं कैसे बिल्कुल बराबर करके इसको स्टिच कर रही हूँ। सेम ऐसे ही आपको भी बिल्कुल बराबर करते हुए स्टिच कर लेना है। तो ये मेरा एक साइड से स्टिच हो चुका है, सेम इसी तरीके से दूसरे साइड से भी स्टिच कर लेते हैं। ये देख लीजिए, तो मैंने कम्प्लीटली दोनों साइड से डिज़ाइन को स्टिच कर दिया है। अब मैं लैस ले लेती हूँ और इसके गले पे अच्छे तरीके से लैस डिज़ाइन के दोनों साइड से लगा लेते हैं। यहाँ से फोल्ड करते हुए वी में बना लीजिएगा, जहाँ से हमारा वी शेप का डिज़ाइन आ रहा है। इससे हमारा डिज़ाइन बिल्कुल बना रहेगा वैसे ही जिस तरीके से हम बना रहे कटिंग की थी मैंने। तो लैस को फोल्ड करके वी बनाते हुए जरूर स्टिच कीजिएगा। ऊपर से स्टिच हो चुका है, नीचे के साइड से भी सेम ऐसे ही लैस स्टिच करेंगे। ये देख लीजिए, नीचे के साइड से भी मैंने लैस को कम्प्लीटली स्टिच कर दिया है। एक साइड से दूसरे साइड से भी मेरा स्टिच हो चुका है। तो मेरी डिज़ाइन देखिए ये बन चुकी है। बस इस पर हम गोल्डन कलर की मोती लगाएंगे बड़ी वाली। तो मैं गोल्डन कलर की मोती लेती हूँ बड़ी वाली, और इस तरीके से डिज़ाइन के ऊपर हम इसको स्टिच कर देंगे। बिल्कुल जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरीके से आप इस पर डिज़ाइन के ऊपर स्टिच कर दीजिएगा इसको, मोती को। तो पूरा इस तरीके से लगा लेंगे जैसे मैंने आपको दिखाया। तो मेरा ब्लाउज डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी मेरी कोई न्यू डिज़ाइन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगी। और मेरी कोई डिज़ाइन ड्रेस या ब्लाउज को परचेज करने के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे विजिट कीजिए, वहाँ पर मैं ऑनलाइन सेलिंग करती हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया, वहाँ जाके मेरे आईडी पे जा सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में नए डिजाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।